चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। तो ये देखो पूरे 5:20 हो रहे हैं और इस लड़की ने हमें उठाया, परेशान रहे। हम बेग जी हम आ गए अपने घर, और जब घर आओ तो घर इतना उल्टा होता है यकीन करें, और इतने सारे काम होते हैं। देखो सिद्रा, और सिद्रा नींद नहीं आ रही, हमें भी नहीं सोने दे रही 5 बजे। इसके लिए दिन हो गया भाई, चाय बना लो जाओ। ये देखें, ये हमारी भांजी देखें बाउली हो गई है 5 बजे, और खुद भी उठ गई है, हमें भी डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। ये देखें इसकी हरकतें देखें, ना खुद सो रही ना हमें सोने दे रही है। ये देखें ये देखिए 5:20 हो रहे हैं, देख रहे हैं पूरे 5:20 हो रहे हैं और इस लड़की ने हमें उठाया, परेशान अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। तो ये देखें हमारा एक नया दिन हो गया है, और ये देखें वही बच्ची है जो सुबह सो नहीं रही थी, परेशान कर रही थी 5 बजे, जो आपने शुरू में क्लिप देखे ना वो इसी के थे सुबह के, क्योंकि ये सुबह 5 बजे से भी पहले उठ गई थी और ये सो ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, हमें भी नहीं सोने दे रही थी। तो ये देख लें अब बिल्कुल फ्रेश हो गई, खुद उठ गई ये नींद करके, और नाश्ता भी इसने कर लिया है जो ये खाती है, और देख लें अभी हमें तंग कर रही है, इसने इतना परेशान किया हुआ है ना बहुत ज़्यादा। ये देखें देख रही है कि मेरा मोबाइल मेरी तरफ है, देखें ये देख लें। और हम लोग अम्मी के घर हैं, तो अब अल्लाह खैर करे बस अब घर जाएंगे अपने, और घर जाके आप लोगों से फिर घर जाके मिलेंगे। हम बेग जी हम आ गए अपने घर, और जब घर आओ तो घर इतना उल्टा होता है यकीन करें, और इतने सारे काम होते हैं बे इंतहा, तो बड़ा आप घर का काम करते हैं क्योंकि घर देखें सारा उल्टा है। सामान जो हम लेकर आए हैं ये देखें सारा हमारा ये पड़ा है अब बस, और मेरे देखें चेहरे पे ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें ये मेरा सारा चेहरा मेकअप करने से ना मेरा पूरी ये देखें ख़राब हो गया चेहरा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें पूरे चेहरे पर ना मेकअप की वजह से ना एलर्जी हो जाती है मेरे चेहरे पर, ये देखें। तो अब जो है इस पर डॉक्टर ने मुझे पहले एक ट्यूब वगैरह दी थी लगाने के लिए, पहले भी मेरे ना इस जगह पर हो गई थी थोड़ी सी एलर्जी मेकअप की वजह से ना, अब वो ट्यूब मैं लगा रही हूँ, देखते हैं अब अल्लाह करे उससे फ़ायदा हो जाए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को जाकर, बहुत ज़्यादा मसला है ना, मैं इतनी टेंशन में आ गई हूँ, और ये देखिए क्या हालत मेरे चेहरे की हो गई। बस आप लोग सब दुआ करें कि अल्लाह पाक करे मेरा खैरियत से ये एलर्जी ख़त्म हो जाए चेहरे की, हैवी चेहरे पर और मेकअप की वजह से, अब क्या करें कहीं जाना होता तो फिर जाहिर सी बातें करना ही होता है थोड़ा बहुत। बस आप लोग दुआ करें कि मेरा चेहरा से, बाकी काम करते हैं। मैं शोकेस की हालत देखें क्या हो रही, बर्तनों का ना डिवाइडर, इसमें मिट्टी देखें कितनी, इसे एक हफ़्ता नहीं होता है तो ये देखें कितनी मिट्टी इसमें, डस्ट देखें कितनी ज़्यादा है ना। अब मैं असल में देख रही थी ये है कि मैं जब गई हूँ तो मेरी बेटी घर पर थी, यहाँ से क्या चीज़ हटी है जो मुझे नहीं याद आ रही है, देखें यहाँ से कोई चीज़ हटी है जो इतनी तो जगह खुली रह नहीं सकती, क्योंकि देख लें तुनातुन हो रहा है सारा सामान, देखें जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जगह खाली रह गई, अब ये नहीं समझ में आ रही है, देखें कि क्या पता नहीं चल रहा है। मैं यही खड़ी हुई देख रही थी कि यहाँ से क्या चीज़ हटी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, अब पूछती हूँ नेहा से कि इधर से क्या हटाया है बेटा, देखें क्या हाल हो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी जगह जो ये खाली रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये देखें क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। और हाँ ये देखें ये मेरी बेटी के ना बचपन का गिलास है, देखें इसकी कांच की प्याली भी थी, कांच का ये गिलास था एक, छोटी होती थी तो फिर सेरेलेक वगैरह उसमें खाती थी, इसमें पानी वानी, ये देखें मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये देखें यादें होती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, काफ़ी इसकी बचपन की चीज़ें हैं जो इसमें हैं मौजूद, दिखाऊंगी किसी दिन आपको निकाल के। ये देखिए मेरे शोकेस का हाल, देखें क्या हो रहा है, अड़म धड़म पड़ी हुई है चीज़ें सारी,
बस किसको भी किसी दिन साफ करूँगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। देखें क्या हालत हो रही है शोकेस की, देख रहे हैं ये देखें। मैं यही देख रही थी, मैंने बोला यहाँ से क्या चीज़ हटी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी चीज़ यहाँ से हट गई है, कहाँ गई आखिर वो क्या चीज़ थी। ये टेंशन है बस अब मुझे कि इसका कोई मसला हल करूँ। पूछती हूँ यहाँ से कि बेटा क्या है चीज़ यहाँ से हटाइए। अब ये चाबियाँ तो इसमें लगी होती हैं, ये तो नहीं ना मैं निकालती ये हटाती। ये देखें कितना तुना तुन भरा हुआ है नहीं कहीं से गुंजाइश ही नज़र नहीं आ रही। ये देखें कहीं से गुंजाइश नज़र आ रही है आप लोगों को, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही, पर पता नहीं चल रहा है कौन सी चीज़ नेहा ने वहाँ से हटा के ना कहाँ करी है, समझ नहीं आ रही है। चले पूछते हैं नेहा से। तो मैंने करी ये सारी, शुक्र है अल्लाह पाक का। अब बस आटा गूंदा है, साथ में आलू रखे हैं तलने के लिए, क्योंकि ये देखें क्योंकि मुझे ना ये आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तले हुए ना, तो मैंने कहा चलो आलू तल लेते हैं अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने कहा चले ये आलू तल लेती हूँ, साथ में ये हरी मिर्च तली, ये भी इसी में डालूँगी। बाकी जो है साथ साथ बहुत सारे काम हैं जो करती जा रही हूँ, कपड़े भी हैं ना कहते हैं भी धोए हुए हैं वो भी धोती जा रही हूँ, क्योंकि घर में आओ ना घर उलट भी हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है, गर्म भरम हुआ होता है। और हम शादी में गए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बता सकूं कि कितना अच्छा लगा, क्योंकि सारे पुराने लोग यकीन करें इतना अच्छा लगता है जब आप पुराने लोगों से मिलते हैं ना, यकीन करें कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अल्लाह का शुक्र है, और बहुत मज़ा आया और बहुत से लोगों से मिली, बहुत से लोगों के जो नहीं आए थे उनके नंबर लिए, और दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। यकीन करें कि आप लोग खुद सोच सकते हैं जब आप किसी दोस्तों से सालों बाद यानी कि 10-15 साल बाद मिलें तो आप खुद सोच सकते हैं कितना अच्छा लगता है ना, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। जो बच्चे छोटे छोटे थे वो बड़े बड़े हो गई, लड़कियाँ ये वो देख देख के, पर अल्लाह उनको सलामत रखे। बाकी अब ये बस खाने का करते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको साथ में। चले जी स्वीपर को देखते हैं, स्वीपर को मैंने बुलवाया था, मैंने कहा थोड़ी ना इधर के ऊपर की सफाई करवाऊँ यहाँ के, अब देखते हैं आया है कि नहीं, की भी है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं सीढ़ियों पे जाकर, नहीं करके ही नहीं गया, आया ही नहीं है। ये देखें यहाँ की सफाई करवानी थी मुझे सारी, लेकिन नहीं आया, और जब मैंने कहा आवाज़ देखे तो कह रहा बाजी आ रहा हूँ 2 मिनट में आकर तो मैं करके जाता हूँ, अबे आया ही नहीं है, इतना गंदा। ये देखे मैंने तो सारा ही उठवा दूँ, सारा साफ़ करवा दूँ, बुरा लग रहा है। ये देखे कितना गंद पड़ा हुआ है, कचरा ही कचरा है सारा, देखे अब बोला है देखो अब आता है या नहीं, चलते चलते कुंडी ना बहुत सख्त। ये देखें हम छत पे आ गए, ये देखें कपड़े मैंने धो के सुखाए हैं, ये देखें, और देखें कितना अच्छा लग रहा है शाम का टाइम, ये देखें सूरज कितना प्यारा लग रहा है, शाम का व्यू है, ये देखें ज़बरदस्त लग रहा है। मेरी बेटी चाय बना रही, मेरे समय इतना शदीद दर्द हो रहा है यकीन माने के बहुत ज़्यादा पता नहीं बुखार है पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। ये देखिए मैंने कपड़े धो के सुखाए थे, मेरी अमूमन आदत है कि जब मैं आती हूँ मम्मी के घर से होकर तो मैं कभी भी कपड़े उतार के रखती नहीं हूँ, कभी भी नहीं रखती, मेरी आदत है मैं कपड़ों को रखती नहीं हूँ, मतलब कपड़े चेंज के उस वक्त ही धो लेती हूँ, कभी रखती नहीं हूँ कपड़ों को, मेले कपड़े रखना मुझे उलझन होती है कि मेले कपड़े पड़े हुए हैं और ये वो। तो असल में ना हमारे ये जो है ना इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है, तो इसीलिए जो ना फिर देखिए ये आपको सामने से वहाँ से ये देखें हमारे साइड जो ना ये देखें कपड़े नीचे गिरे हुए हैं इन लोगों के, ये हमारे नहीं है वो हमारे, और ये देखें ये दूसरे लोगों की सीढ़ियाँ हैं, ये देखें देख रहे हैं
दूसरे लोगों की, इन्होंने देखो सफाई कराई हुई है सारी, देखा ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा देखो इन्होंने गेट लगाया हुआ है, ये देखें, ये देखा है इन्होंने अपनी सीढ़ियों पे ना गेट लगाया हुआ है, क्योंकि कोई ऊपर ना आए तभी इन्होंने ये सामान यहाँ रखा हुआ है, देखा ना इनका एयर कूलर वगैरह यहाँ पड़ा है, पलंग भी पड़ा है, गमले भी इनके पड़े हुए हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब सेफ्टी की हुई है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मसला ये है कि अगर गेट तो वो छोटी सी जाली लगाई, जाली नमूने तो सही होता है कि कोई ऊपर नहीं आता, भले सामान वगैरह भी रख लो, हम नहीं रख सकते, मजबूरी हमारी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर सीढ़ियाँ सबकी हैं। ये देखें, ये देखें, ये स्कूल है मेरी बेटी, इस स्कूल में पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती इस स्कूल में, अब दूसरे स्कूल में पढ़ती है। ये देखें ये स्कूल है, देखें सामने गोदाम है, और ये प्लाज़ा बन रहा है, देखें बनते बनते पता नहीं क्यों रह गया, और ये सामने जो है आटे की मिल है मेरे ख्याल से, हाँ शायद आटे की, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, आटे की ही लग रही है। और ये सारा जंगल ही हमारे पीछे का साइड है, ये देखिए बाउंड्री हमारी ये है, और वो हमारी बाउंड्री नहीं है, वो दूसरों का। ये देखें, देखें सूरज, देखें कितना प्यारा लग रहा है सामने, ये देखिए सारी फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया सारा। और बस हम लोग भी अब घर जाते हैं, मेरी बेटी चाय बना रही, मैं कपड़े देखने आई थी, सबसे पहले मैं वो जगह देखने आई थी कि सफाई की है स्वीपर नहीं या नहीं, लेकिन उसने नहीं की, इतना बदतमीज़ है। दूसरी बात ये है कि हमारे मामू हैं रिश्ते के ना, वो बेचारे ठीक नहीं, ठीक तो ऑपरेशन उनका था, क्योंकि असल में ना वो गिर गए थे बेचारे ना वॉशरूम में गिर गए थे, तो उनके ना खून जम गया था ना सर पे, खून जम गया था, तो फिर डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि जी उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, लेकर गए उनका ऑपरेशन है, ऑपरेशन उनका हो गया। बहरहाल आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाब करे, और सेहतयाब करके उसे उन्हें घर शिफ्ट करे, अल्लाह पाक एक ही उनका बेटा है, अल्लाह पाक उन्हें उनके बेटे की खुशियां देखना नसीब करे। हमारे मामू हैं और मतलब उनके हमें, मुझे तो यकीन करें थी टेंशन थी ऑपरेशन से पहले, यकीन करें कि हम सब दुआ कर रहे थे मिल के कि अल्लाह पाक हमारे मामू का जो ना ऑपरेशन का, मम्मी के कज़न है खाला जात ना, तो फिर पता चला कि चलें ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया, लेकिन हॉस्पिटल से घर नहीं आए ना, तो आप प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाब भी दे और खैरियत से घर आ जाएं वो बिल्कुल सेहतयाब होकर, क्योंकि देखें ना माँ बाप के बगैर कौन होता है, औलाद के लिए तो माँ बाप वो ज़रूरी होते हैं, तो आप लोग ज़रूर उनके लिए दुआ करिएगा बहुत सारी। बाकी जो है आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह के व्लॉग बनाऊं, बाहर के या घूमने फिरने के, घर के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट क्या करें, आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर क्या करें कि भाई किस तरह का व्लॉग देखना चाहते हैं, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना, उधर नहीं जाओ इधर आ जाओ, बाहर घूमना फिरना, या मतलब घर के व्लॉग, कुकिंग के व्लॉग, किस तरह के देखने चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आप लोग क्यों नहीं समझते, आप लोगों में बोल बोल के थक गई हूँ, मुझे सारा पता है कि आप लोग देखते ज़रूर लेकिन कमेंट नहीं करते, प्लीज़ 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 अल्लाह का वास्ता है कमेंट क्या करें, मुझे बताया करें, अगर जो गलती है वो भी बताया करें कि भैया गलत है, ये सही है, या ये वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन बताया करें, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते, मुझे समझ नहीं आता। दूसरा सब्सक्राइब क्या करें, मेहरबानी करें प्लीज़, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी क्या करें, दूसरा ये है कि कमेंट भी क्या करें, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरह का व्लॉग देखना चाहते। उतार लेते हैं, दुपट्टे सूख चुके हैं इनको तो उतार लेते हैं, बाकी ये अभी गीले हैं कपड़े, इतने नहीं सूखे हैं, सूखने दें, सुबह की धूप लग जाएगी तो और ज़्यादा सही हो जाएंगे। वाला भी सूख गया दुपट्टा, उतारते हैं, चलें जी ये तो सूख गए हैं कपड़े, अब इनको भी देखते हैं कि ये सूखे हैं कि नहीं, वैसे पानी ठंड सूख तो गए तकरीबन, ले जाती हूँ उनको, थोड़ा धूप में सुबह डाल दूँगी, ले जाती हूँ कपड़ों। अब मैंने कहा मैं कपड़े कैसे उठाऊँगी, कपड़े भी उठाऊँ तो चुचकनियाँ मेरे हाथ से गिरती जा रही हैं,
मैंने ये सारी देखें चादर में ये देखें मैंने सारी चादर में देखें कैसे लगाई है, देख रहे हैं ये देखें। मैंने कहा ऐसे लगा के ना और ऐसे कैसे से उतार लूँगी। कपड़े तो हम ले आए उतार के, और ये हमारा दरवाज़ा मेन दरवाज़ा ये वाला है, ये देखें ठीक है। वो हमारा मेन दरवाज़ा नहीं, वो गैलरी का दरवाज़ा, ये हमारा मेन दरवाज़ा। ये देखिए सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, देखा तो वो बाकी मेन दरवाज़ा हमारा ये है। बाकी जो है दरवाज़ा बंद करते हैं और चाय पीते हैं। यहाँ चाय बनाऊंगी चल के। ये देखें कपड़े मैं ले आई हूँ, अभी कपड़ों पर से चिटकनियाँ उतारनी बाकी हैं। चाय मेरी आ चुकी है, ये देखें दिखाती हूँ। ये देखें मेरी चाय ये रखी है, देखा ये कपड़े यहाँ रखते हैं, कपड़ों को बाद में सेट करते हैं, पहले पीते हैं चाय। और दूसरी बात ये है, यकीन माने मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था वहाँ से, तो हम लोग मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो है, मुझे उलझन हो रही है इससे ना, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है यकीन करें, बहुत ज़्यादा। बहरहाल घर में क्या बंदा करे, बस घर के ही काम नहीं ख़त्म होते यकीन करें। अब ये कपड़े में देखो, देख मैंने चिटकनियाँ कैसे करके लेके आई, देख रहे हैं आ गई, क्योंकि हाथ में नहीं आ रही थी, मेरे हाथ में मोबाइल भी था। और ये देखें अब इसमें से निकाल के और रख दूँगी। बाकी जो है हमारे ना दरवाज़ा का चाबियाँ गुम हो गई थी हमारी, तो फिर वो बाहर का ताला भी तोड़ना पड़ा, उधर का गैलरी का ताला भी तोड़ना पड़ा, चाबियाँ हमारी गुम हो गई थी, तो इतनी परेशानी हो गई थी बहुत ज़्यादा ना, दो ताले तोड़ने पड़े। बाकी अल्लाह खैर करे। और जो है अब पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं। चले जी चाय मैंने पी ली, चाय कप लेके चलते हैं बाहर और शोकेस के वो जगह का पूछते हैं बेटी से कि ये कहाँ क्या चीज़ गई है। चलो जी शाम हो गई है बिल्कुल, और देखते हैं अब शाम को क्या करते हैं खाने में, अल्लाह मालिक है। और देखते हैं बाहर का क्या मंजर है, देखते हैं थोड़ा सा। हाँ तो हवा देखें कितनी तेज़ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हवा देखें कितनी टाइट है। ये देखें आप इस दुपट्टे से अंदाज़ा लगाना कितनी तेज़ हवा है, और क्या हाल होगा शाम को रात को, क्या हाल होगा देखें, मगरिब हो गई है बिल्कुल। देखें अभी हम छत पे गए थे, देखें और ये हमारा ना गैलरी का साइड है, मेन दरवाज़ा तो आपको दिखाया था। पानी वाले भी आ गए, शुक्र है, चलो पानी लेना। चलिए जी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे इजाज़त दें और कल मिलेंगे फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। और बाकी प्लीज़ जो है ना कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों ने किस तरह के व्लॉग देखने, प्लीज़ 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 आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग किस तरह के व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर से पता है घर में होती हूँ तो मैं घर की ही बनाती हूँ सिर्फ, तो शायद आप लोगों को अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि भाई सिर्फ कमेंट करके छोटा सा लिख के आप मुझे भेज देंगे ना कि भाई इस तरह के व्लॉग बनाएँ, ये है वो, मशवरा तो दे सकते हैं ना आप लोग, जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो फिर मुझे इतना तो मैं हक रखती हूँ ना कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताएँ कि मैं किस तरह के व्लॉग बनाऊँ, ठीक है। और बाकी आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने